My name is Madiha Manzoor and I scored 493 marks in my 12th examination. My stream was arts and मैंने यहीं से पढ़ा है, यहीं जेड एजुकेशन से, यहीं से कोचिंग्स ली है 12th की. एंड रियली इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस हियर. बहुत अच्छा रहा, टीचर्स भी बहुत अच्छे मिले, पेरेंट्स का सपोर्ट रहा. ऑफकोर्स मी माई सेल्फ, अपने आप को भी थैंक यू दूंगी क्योंकि मेहनत तो बच्चा ही करता है. एंड दैट्स इट. कैसा सफर रहा, कैसी तैयारी रही आपको एग्जाम्स के लेकर ये पैंडेमिक में? हाँ, थोड़ा बहुत हैक्टिक था ऑनलाइन क्लासेस का, बिकॉज बोथ को चलाना था, स्कूल प्लस ट्यूशंस. एंड थोड़ा बहुत हैक्टिक रहा ऑनलाइन क्लासेस का, इंटरनेट प्रॉब्लम थी. आपको पता ही, अगर बीच में ही कनेक्शन कट हो जाता है सो पूरा समझ नहीं आता है कि फिर आगे का टॉपिक अच्छा इसमें क्या था. बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे टीचर्स ने हमें टाइम दिया अपना एंड बहुत अच्छे से पढ़ाया, सो ये बहुत अच्छा था. तो हाँ, ये मैं बोलूँगी. कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको ऑनलाइन क्लासेस, डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस? ऑफकोर्स ऑफलाइन क्लासेज आर बेटर देन ऑनलाइन क्लासेज, बिकॉज देर इज़ इंटरेक्शन बिटवीन द स्टूडेंट एंड टीचर, एंड टीचर टाइम देता है. ऑफकोर्स अगर कोई क्वेश्चन होता है तो स्टूडेंट फिर एट लास्ट पूछता है सर से, सर मुझे यहाँ पर कन्फ्यूजन था, मुझे क्लियर कीजिए. तो ऑनलाइन में भी होता है, बट ऑनलाइन को होता है पर्टिकुलर टाइमिंग होती है मीटिंग की, यहाँ से यहाँ तक है मीटिंग. एंड फिर आप सोचिए इंटरनेट प्रॉब्लम्स, कनेक्शंस वीक होना, सो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती ही थी, लेकिन ऑफलाइन आर बेटर देन ऑनलाइन. कैसे अपने आप को आपने तैयार किया लॉकडाउन में? लॉकडाउन में क्या मतलब पहले से ही तैयारी नहीं थी, बट एग्ज़ाम्स के कुछ मंथ्स पहले से ही स्टार्ट किया. ये था कि अच्छे मार्क्स लाने, बिकॉज इट वॉज लास्ट बोर्ड एग्जामिनेशन. सो ये था कि 90s में ही परसेंटेज होनी चाहिए. सो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि बहुत अच्छा रहा. एट लास्ट आपके लिए गर्ल्स के लिए क्या मैसेज है? गर्ल्स के लिए यही मैसेज रहेगी कि बी थैंकफुल टू अल्लाह सुबहान व तआला, बिकॉज ही इज़ द वन हु विल गिव यू द मोर. एंड अपने छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहे, अपनी लाइफ को एंजॉय करे, पढ़ाई पर भी कॉन्सेंट्रेट करे. बिलीव इन योर सेल्फ, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. थैंक यू. मेरा नाम ज़बरान है. मैंने 489 मार्क्स स्कोर किए हैं आउट ऑफ 500 और मेरी 8th पोजीशन है वाली में. और मैंने जेड एजुकेशन में अपनी कोचिंग की है. मैं खानियार श्रीनगर से हूँ. तो बेटा, कैसे तैयार किया आपने? मतलब पैंडेमिक का दौर था तो आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी नहीं थी, तो कैसा आपने अपने आप को तैयार किया? क्या लग रहा है आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस को लेकर? बिफोर हार्ड वर्क आई वुड से हमें अपने मतलब जो स्टडीज़ है उसके लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ता है. मतलब तैयारी हमेशा पहले से करनी होती है, फ्रॉम द बिगिनिंग. जब से आपका कोर्स स्टार्ट हो जाता है, पहले से ही जब हम तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है कि हम आगे जाके मतलब हमारे लिए ईजी हो जाता है कि हम आगे कितना पढ़ेंगे, वो पहले ही पता चल जाता है. और फिर उसके बाद जब नज़दीक आता है टाइम, तो फिर हम हार्ड वर्क भी कर सकते हैं उसके साथ साथ. एंड द मेजर थिंग कि जो हमारी फैकल्टी थी यहाँ पर आर्ट्स की जेड एजुकेशन में, ये काफ़ी अच्छी थी. मिस्टर तारिक सर जो है, मिस्टर ताहिर शाह सर जो है, जो उर्फी मैम है, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, पहले टीचर्स का, उन्हीं टीचर्स का हार्ड वर्क था, उसके बाद हमारी कंसिस्टेंसी थी हमारे काम की ओर. और फिर मैं बताऊँगी कि ऑनलाइन भी हुई क्लासेस, ऑफलाइन भी हुई क्लासेस, लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेस थी वो हमेशा मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा ऑनलाइन में, क्योंकि हम कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन में. ऑनलाइन में जो था वो हम मतलब टीचर के साथ पूरा अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, टीचर हमें नहीं देख पाता है कि बच्चा क्या कर रहा है, लेकिन ऑफलाइन में डेफिनेटली हम इंटरेक्ट कर पाते टीचर के साथ, और टीचर को भी पता चलती है स्टूडेंट पढ़ भी रहा है या नहीं. तो ऑनलाइन में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन फिर भी जो डेडिकेशन थी हमारे टीचर्स की वो काफ़ी ज़्यादा थी, तो उस वजह से जो उनका हार्ड वर्क था, हमारी कंसिस्टेंसी थी, तो उसी के जो है जो मार्क्स है उसी के है. तो लास्ट पर आपका मैसेज क्या रहेगा? जेड एजुकेशन एक नाम है, ठीक है, इसको लेके अगर आपको कुछ मैसेज देना होगा अपने फ्रेंड सर्कल बॉयज जो भी पढ़ रहे, जो भी एजुकेशन दे रहे, तो जेड एजुकेशन का क्या रहेगा? आई वुड से जो टीचर्स है वो काफ़ी डेडिकेटेड है,
काफ़ी हार्ड वर्किंग है, उसके बाद हमारी कंसिस्टेंसी आती है. हार्ड वर्क मतलब जेड एजुकेशन के साथ मैं ये नाम बिल्कुल बोल सकती हूँ, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, डेडिकेशन. और टीचर्स का जो है हमेशा मतलब काफ़ी काइंड बिहेवियर रहा है. मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि जितना हार्ड वर्क यहाँ पर होता है, कंसिस्टेंसी होती है. एंड आई वुड से कि एट द एंड आई वुड से कि हमेशा अपने काम के साथ कंसिस्टेंस रहना, कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है, तब तक हम नहीं कर पाते कुछ भी. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर मुसाब सर, जिन्होंने हमेशा यहाँ पर हर एक मैटर सॉल्व किया है या स्टूडेंट्स के पीछे हमेशा भागे है कि यू हैव टू बी रियली हार्ड वर्किंग फॉर एवरीथिंग. Assalamu alaikum, it's Mehreen Shaheen from Zed Education. I got 488 marks in my 12th class examination with 9th position in the valley. तो बेटा अपनी पढ़ाई के बारे में बताइए, कैसे आपने आपको तैयार किया आपने इन हालात में? It was very difficult. स्कूल भी बंद थे. It was very difficult for us at first, but rest you have to do at the end, hard work, that pays off. So बहुत मेहनत करी, बहुत मुश्किलें आई because क्लासेस, ट्यूशन सेंटर सब कुछ बंद था. सो इट वॉज़ रियली डिफ़िकल्ट एट फर्स्ट, बट फिर टीचर्स का सपोर्ट रहा, इनके इनक्रेजमेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा मेहनत की अपनी, और इनके इनक्रेजमेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी मिला. तो हाँ, सर तैयारी की अगर बात करें, मैं हर एक स्टूडेंट से बोलूँगी पहले से अगर हम तैयारी रखें वो बेटर रहेगा. चाहे हम ऑनलाइन से, हमारी जो इस टाइम सिचुएशन थी वो एडवर्स थी बिकॉज हमें ऑनलाइन से ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट होना पड़ा. तो मतलब हर एक बच्चा इस टाइम ऑनलाइन क्लासेस में थे, तो हमें एडजस्टमेंट लानी पड़ी. तो मतलब थी डिफ़िकल्टीज, बहुत सारे बच्चों को डिफ़िकल्टी, किसी के पास फ़ोन नहीं था या कुछ नहीं था, बट स्टिल वी मैनेज्ड. और मुझे लगता है पहले से अगर बच्चा मेहनत करेगा तो हर कोई सक्सेसफुल हो ही जाएगा एग्जाम.